सो भाई वेलकम बैक टू आवर चैनल फोर व्हील रिवील। स्वागत है आप सबका आज एक नई वीडियो में उसी पुराने टॉपिक के साथ। यार आप भी बोलोगे भाई कितनी ऐसी वीडियोस डालेगा सिर्फ नेगेटिव्स नेगेटिव्स की, पर भाई करूँ क्या मैं। जब से मैंने नेगेटिव्स वाली वीडियो डालनी शुरू करी है उसके बाद से जितने बंदों का भी फोन आता है भाई रिव्यू के लिए कम नेगेटिव्स पॉइंट बढ़ाने के लिए ज़्यादा आता है। तो भाई मिलते अपने भाई बिल्कुल खास दोस्त से प्रदीप तिशांत या भाई बहुत सारे अलग नामों से जाना जाता है भाई को। तो भाई वेलकम टू माई चैनल फोर व्हील रिवील। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो भाई अभी अभी तो गाड़ी ली है भाई, इतनी जल्दी क्या दिक्कत है किसमें किसमें गाड़ी में? यार गन पॉइंट पे आप पांच बोल रहे हो कि कमियां निकाल के देनी है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप काफी सोच समझ के आपके प्रीवियस वीडियोस देखे कि भाई ठीक है पांच गलतियां अगर निकाली जाए, फिगर आउट करने को बोला जाए, करी हमने कुछ। भाई मेरे को लगता है इतनी बढ़िया गाड़ी है स्कॉर्पियो और भाई चलने वाले में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ट्राई करें तो निकल ही आती है। पांच कमियां तो भगवान में भी निकल आएंगी अगर मैं ट्राई करूंगा तो। So यार वही है भाई, सच्ची बताऊं मेरे को कोई चीज चाहिए होती ना, मैं सबसे पहले जाके उसके नेगेटिव्स देखता हूं, क्योंकि पॉजिटिव तो सबको ही पता है भाई कितनी अच्छी है, पर नेगेटिव का ये फायदा होता है सबके लिए, आपको भी लेनी है ना गाड़ी तो आपको छोटी छोटी चीजें पता चल जाएंगी भाई इस चीज में ये नेगेटिव है, तो वो माइंड में रखना। भाई स्टार्ट करते हैं, तो भाई पहले से स्टार्ट ही कर देते हैं एकदम। भाई स्टार्ट करते हैं तो देखो, एक तो जैसे मुझे लाइट का लगा इसका, लाइट में गया इसमें इशू है। लाइट में यार ऐसा लगता है कि जैसे मतलब फोकस ना, जैसे जब हम लेते ही बारिश का मौसम था पहाड़ों में, तो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि फोकस कम है लाइट का, तो उसका लाइट का लगता है कई बार रात को प्रॉब्लम लगता है, और सामने से जब खासकर जब हाई बीम आती है तब बहुत डिम लगती है। तो भाई इतने पैसे वाली पार्टी, इतनी महंगी गाड़ी, लाइट चेंज करा उठा गया। भाई इसमें ये भी है, इसका भी जुगाड़ किया इन्होंने, ये लाइट ना सील्ड है अंदर से। अच्छा, तो ये बल्ब चेंज नहीं होंगे। कमजोर हैं उसको तुम चेंज कराना चाह रहे हो पर करा भी नहीं पा रहे हो, काफी सारी भसड़ उसमें। चलो ठीक है भाई, हो जाएगा धीरे धीरे जो भी है। चलो लाइट तो ठीक है यार, मतलब आई नो के बहुत मेजर वो है, पर ठीक है यार इसके अलावा और तो कुछ मेरे को लगता नहीं गाड़ी में कमी हुई कहीं भी। यार चाबी की रेंज, जैसे चाबी लॉक अनलॉक करनी रहती है अपने को, तो मेरे पास जैसे पहले बलिनो थी, अगर मेरा गेट बंद भी है तो मैं अंदर से लॉक अनलॉक करूंगा, बच्चे भी खेलते रहेंगे तो बोलेगी वो। इसको एकदम ऐसे पास में आके बाजू में आके वैन करना पड़ता है, ठीक है। पता नहीं इसके पीछे क्या कंक्रीट साइंस क्या लगा इन उसका करना पड़ता है, क्या बोलोगे, ठीक है। बिल्कुल पास आके आपको लॉक अनलॉक करनी पड़ेगी। और ये बात हमने कब रियलाइज करी, अभी शायद एक दो एक साल पहले हम गए थे मनाली, तो मैं इनको एक चीज बता रहा था कि मैंने कहा भाई जैसे मान लो एक गाड़ी की रेंज इतनी है कि यहाँ से लेके 10 मीटर है, बीस, मतलब जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने कहा उसको गाड़ी को चाबी को यहाँ लगाओगे ना तो रेंज थोड़ी बढ़ जाती है। मैंने कहा उसका साइंस पीछे का मेरे को भी नहीं होता। भाई किया सेल्टोस थी हमारे पास पंडित जी दादा वाली, भाई इतनी दूर खड़ी थी, हम उससे और दूर जाए जा रहे मतलब यहाँ पे लगाने का नंबर नहीं आता, वो वैसे ही अनलॉक और लॉक होती। तो उससे हमको ये पता चला कि भाई इसकी रेंज जो है काफी कम है। तो ये भाई थोड़ा सा मेरे को लगा, पर ठीक है, मतलब चलो ठीक है ये भी देखी जाएगी। इतना बड़ा सेल्टोस में क्या है, सेल्टोस जहां तक आपकी नजर पे आ रही है ना वो काम करेगी की वो चाबी की नजर में भी आ रही है, वो चाबी की नजर में भी आ रही है, इसका पता नहीं क्या है, इसको एकदम बाजू में चाहिए। चलो कोई नहीं यार, बढ़िया गाड़ी है, बाजू में चाहिए इसको मालिक अपना। इसके अलावा क्या हो गया भाई? केबिन नॉइस। केबिन नॉइस तो नहीं होना चाहिए यार, स्कॉर्पियो पुराने वाले में फिर भी समझ आता है, इसमें कैसे आ गई भाई? मतलब आती, मैं आती, मेरे को लगी नहीं। आती है जब 170 प्लस चलती है ना तब भाई यार, मतलब वो लगता है मेरे को फिर भाई वो 1-2% जनता की आती होगी। हाँ मतलब कभी कभी हाईवे पे अगर 170-160 चल रही है या उससे ऊपर जा रही है तब आपको फील होगा कि यार ये बहुत हवा आ रही है अंदर, तो आप देखते हो कई बार के दरवाजा तो कोई शीशा तो नहीं खुला है भाई, वो सेफ्टी फीचर है, वो जानबूझ के दिया हुआ है, चलाओ बिना उतरी। चलो जो है आप ठीक कह रहे हो, आपको ज्यादा पता है, लेकिन जो है सो है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो बता रहा हूँ। बढ़िया यार, चलो एक नेगेटिव में पॉजिटिव भी है कि इतनी जाती है भाई, इतनी ऊंची गाड़ी होने के बाद भी इतनी जाती है गाड़ी, इतनी स्पीड पे भी हाईवे पे, स्टेबिलिटी वगैरह काफी अच्छी है गाड़ी की, मतलब मैं बैठा हूँ हाई स्पीड में भी इसमें काफी मजा आता है, पर हाँ केबिन नॉइस वगैरह थोड़ा बहुत है। चलो ठीक है यार, मतलब इतनी 70-80 तो भी चलाता नहीं इतनी ज्यादा। हाँ मतलब चल जाता है। हाँ, तो इसके अलावा तो भाई मेरे को लग नहीं रहा है यार, भाई भाई टायर पे भी आ गए तुम। हाँ मैंने टायर चेंज करा लिए, टायर चेंज करा चुका हूँ मैं, और ये अभी 2-3 महीने होंगे, अभी 10,000 करीब चल चुकी है। तो टायरों का ऐसा क्या यार, मेरे में भी दिक्कत है, तो पंडित जी टायर तो 70,000 चल गए मेरे ख्याल से। मेरे को आपने ये टायर देख लिया? देख लिया, स्टेपनी में लगा हुआ है इसका जो स्टॉक टायर था। अच्छा, गो एंड हैव अ लुक एट इट। हां उसमें क्या है आपको फर्क पता चलेगा ना,
देखो आप स्टेपनी में लगा हुआ थोड़ा सा बेंड हो गए। चलो अभी मैं देखता हूँ पर आपको दिखेगा नहीं। हाँ। उसके लिए मैं क्लिप डाल दूंगा। हाँ। अच्छा नीचे और हाँ, नीचे ठीक है। ओ भाई साहब अब आपको फर्क लगा। अब आप क्या कह रहे थे पंडित जी की गाड़ी में काफी दिन तक स्टॉक टायर चले हैं। भाई मेरा जो कैलकुलेशन या मेरी जो थ्योरी है वो ये है गाड़ी लेके दो काम पहला सबसे पहले कराने का टैंक फुल और टायर चेंज। और रही बात आप जो कह रहे हो पंडित जी की गाड़ी में कुछ काफी दिन चले थे तो इसके लिए एक स्टोरी है। एक बार एक बच्चा होता है दिवाली पे है ना 100 रॉकेट लेके आता है। अब वो सोच रहा है कि भाई मैं 100 रॉकेट फोड़ूंगा आसमान को रोशन और शहर को धुआं धुआं कर दूंगा। 99 रॉकेट नहीं चले, 1 रॉकेट चल गया। उस लड़के ने बड़ा होके यूट्यूब का चैनल बनाया और वो आज तक उसे 1 रॉकेट को सेलिब्रेट कर रहा है। भाई बाकी आप लोग बता दो वो एक आध वो लड़का कौन है उसका नाम आप गेस कर लोगे। गजब बेइज्जती है। बढ़िया भाई मेरे को लग रहा पंडित जी के साथ साथ मेरी इसने और गलती मेरे को लग रहा है। चलो भाई कोई नहीं भाई जो है वो है। अब भाई इसके अलावा तो कुछ नहीं ढूंढ सकते। 4 हो गए ना। हाँ भाई आप इसका पीछे का दरवाजा ओपन करोगे एक बार। करूंगा भाई बिल्कुल। ये 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 अच्छा ये वाला। हाँ इसमें बढ़िया यार एकदम। और क्या खोलो 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 खोलो। बोतल होल्डर है ना इसमें। बिल्कुल है भाई। और भाई इसमें बोतल रखने के बाद सीट पे बैठ के आदमी निकालेगा कैसे मेरे को थोड़ा ये साइन समझाओ यार। ये तो बिल्कुल ये ट्रबलसम है। ये तो है यार। लेकिन इसके लिए भी एक पैकेज आता है उसमें है ना आपको छोटे छोटे बंदे लाके देते हैं लिलीपुट से जो मैट पे घूमते रहेंगे आपको जब भी पानी चाहिए रहेगा वो निकाल के लाके आपको। भाई आपको एक क्लिप ऐड कर दिखाऊंगा तो दूर से दिखेगा नहीं तो मतलब जगह तो पूरी दी हुई है इन्होंने पर भाई कितना मेजर चुत मतलब पानी बंदा पिएगा वो चलेगा कैसे बताओ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना। फैमिली फैमिली देखती है वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं ऐसे ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। ये तो है मतलब जो दिक्कत है वो तो है तो मतलब इजीली डाल सकते हो आ भी जाएगी पर निकलेगी नहीं वो बॉटल। हाँ मतलब बैठते टाइम तो आप डाल ही दोगे दरवाजा खुला रहेगा लेकिन अब जब पानी पीने की जरूरत होगी ना तो आगे वाले से मांगनी पड़ेगी आपको क्योंकि ये निकल नहीं रही है। तो यही है यार बाकी यार अब तो मेरे को इससे ज्यादा सहन भी नहीं हो रहा इतना इस टाइम पे जिसको मैं बोलता था वैल्यू फॉर मनी। हालांकि मेरे को स्कॉर्पियन पर्सनली इतनी अच्छी लगती नहीं है पर कोई मेरे को पैसों की रेंज होता ना कि भाई 20-22 लाख में गाड़ी चाहिए 22-23 लाख के रेंज आ जाए 7 सीटर हो ये हो भाई मैं आग अंदर स्कॉर्पियन बोल देता हूँ। इससे ज्यादा नेगेटिव सुन भी नहीं पाऊंगा तुम्हारे होंगे तो नहीं इसमें कुछ मतलब चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस और वो जो ऑनरशिप एक्सपीरियंस में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको चला रहा हूँ ऑब्वियसली 10,000 चला लिया यार चला भी दी 10 चला दी टाइम हुआ इसको 3 महीने हुए नहीं अभी और वो भी अभी 15 दिन में कहीं सूरत गया हुआ था कि भाई साहब 15 दिन तो अभी गुजरात में थे और मतलब नई गाड़ी बढ़िया यार। हाँ तो रनिंग अच्छी है अपनी इससे। ये टैक्सी नंबर तो नहीं है कहीं? नहीं भाई अभी तक तो नंबर भी नहीं लिया मैंने इसका टेम्परेरी पे चल रही है। सही है भाई। भाई इससे ज्यादा देखो बुरा है तो सुन नहीं पाऊंगा पर एक काम करते हैं ऑनरशिप एक्सपीरियंस भी लेते हैं इस गाड़ी का पर अभी हो जाएगी वीडियो लंबी तो एक और वीडियो बनाते हैं इसके बाद वो वीडियो भाई आपको देखेगी नेक्स्ट टाइम। तो फिलहाल के लिए आज के लिए भाई इतना ही था है ना। इससे ज्यादा नेगेटिव तो होंगे भी इस गाड़ी में नहीं, नहीं कुछ ना? नहीं है कुछ ठीक है भाई। चलो भाई आज के लिए था इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे अपनी ऑनरशिप एक्सपीरियंस की। अब मीनवाइल आपके लिए कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है मतलब इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है कोई भी क्वेरी है भाई के लिए कोई भी क्वेश्चन है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। मिलते भाई नेक्स्ट वीडियो में आपसे ऑनरशिप एक्सपीरियंस के साथ। तो भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर बाय।